दोस्तों, मेरा नाम है परमजीत सिंह और आप देख रहे हैं यूनिक इंडिया। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप देख सकें मेरी न्यू वीडियो सबसे पहले। इस वीडियो में मैं आपको Redmi 4 की अनबॉक्सिंग कर दिखा रहा हूँ और बताऊँगा कि इसमें कौन से नए फीचर्स ऐड किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैनुअल दिए गए हैं, और ये एक नॉर्मल टाटा की जो है दी गई है, और ये है इसका अडेप्टर जिससे हम इसको चार्ज कर सकते हैं, और ये पेन दी गई है। इस पेन के जरिए हम सिम ट्रे को आसानी से निकाल सकते हैं। इसका रैपर जो है वो उतार देते हैं। मैं जल्दी से इसकी सेटिंग्स जो है वो कर लेता हूँ। ऊपर आप देख सकते हैं कि राइट साइड पर कैमरा लेंस दिया गया, कैमरा दिया गया है, और लेफ्ट साइड पर फ्लैश दी गई, LED फ्लैश। और IR रिमोट का फंक्शन दिया गया है जिसके जरिए हम किसी भी हमारा जो TV है और AC वगैरह जो भी रिमोट पर चलती हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन के जरिए। नीचे स्पीकर्स दिए गए हैं और सेंटर में चार्जिंग स्लॉट दिया गया है। ऊपर की ओर राइट साइड पर फ्रंट कैमरा दिया गया है। ये पकड़ने में बहुत ही हैंडी और लाइट वेट है। इसको हम पॉकेट में आसानी से कैरी कर सकते हैं। इसका डिस्प्ले रेजोल्यूशन है वो बहुत ही बढ़िया है, और हम इसके कैमरे को चेक कर लेते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि क्वालिटी ठीक है, क्योंकि इस पिक्चर को मैंने इसमें नाइट में क्लिक किया है, और हम इसका एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इसकी क्वालिटी। और जो मैंने ले ली फोटोज, क्वालिटी ठीक है दोस्तों, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्वालिटी कैमरे की बिल्कुल ठीक है। एक हम कलर फोटो लगा लेते हैं ताकि हम देख सकें कि इसके कंट्रास्ट जो हैं वो कैसे हैं। कंट्रास्ट भी ठीक है, और
पिक्चर बिल्कुल ही नेचुरल लग रही है, देखने में पिक्चर नेचुरल लग रही है। तो कैमरे वगैरह तो बढ़िया हैं इसके, और हम देख लेते हैं इसमें एंड्रॉयड वर्जन कौन सा चल रहा है। तो हम जाएंगे सेटिंग्स में और अबाउट, इसमें चल रहा है एंड्रॉयड 6.0.1 यानी कि मार्शमेलो। रैम जो है इसमें 3 GB दी गई है और सीपीयू जो है इसमें ऑक्टा कोर 1.4 GHz का दिया गया है। इसमें दोस्तों आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, जैसे कि ऐप लॉक जिसमें इंटरनल भी दिया गया है, और ड्यूल ऐप्स जिसके ज़रिए आप दो एप्लीकेशन एक ही स्मार्टफोन में चला सकते हैं। और लाइट मोड भी इसमें दिया गया है। सेकंड स्पेस दोस्तों बहुत ही बढ़िया ऐप है, इसके ज़रिए अगर आप किसी को फ़ोन पकड़ाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो डाटा है वो दूसरा देख ना सके, तो आप सेकंड स्पेस को ऑन कर सकते हैं। इसमें आपका डाटा वो नहीं देख सकता और वो फ़ोन चला सकता है। और ये बन गया न्यू फ़ोन। अगर आप फिर से अपने फ़ोन में दोबारा वापस जाना चाहते हैं तो स्विच पर क्लिक कर दीजिए। तो हम इस समय देख सकते हैं कि हमारे पास 2.3.91 GB अवेलेबल है, जिसको हम बच सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। बैटरी का फंक्शन जैसे कि बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का भी दिया गया है, बैटरी सेवर का भी फंक्शन दिया गया है। ऐप लॉक इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। हम इसकी सेटिंग्स कर लेते हैं, मैं इसमें अपनी फिंगर अटैच कर लेता हूँ। अब हम देखेंगे कि सेंसर की फ्रीक्वेंसी कैसी है। सेंसर जो है, फिंगरप्रिंट सेंसर जो है, बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। और मैं आपको इसकी सिम ट्रे जो है वो निकाल कर दिखा देता हूँ। सिम ट्रे रिमूवल जो है इसमें दिया जाता है, इसके बॉक्स में दिया जाता है। और यह है इसकी सिम ट्रे, ये सिम ट्रे हाइब्रिड सिम ट्रे है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर आपके जो सुझाव उसको कमेंट करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना।